हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भागा तिरु चैनल। मैं हूँ शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशंस के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगर सीसीएमबी सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 8 अगस्त तक। और रिजल्ट आपका जो इंटरव्यू होगा इसका बाद का प्रोसेस है तो उसका आएगा 15 अगस्त को। तो इम्पोर्टेंट जो भी डेट है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको सब डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिएगा और इस पर अगर डिटेल्स भी चाहते हैं तो मेरे को बताइएगा। तो यहाँ से फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर बता देते हैं आपको। और ये आपका बेसिकली आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आपको होना है, लाइफ साइंस बैकग्राउंड से आपको होना है। और चाहे आप बीटेक किए हैं या एमएससी किए हैं या कोई भी हो तो आपको आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका अपना नाम दीजिएगा इस बॉक्स पे, उसके बाद अपना फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका, उसका जेंडर, उसका नेशनलिटी, कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप अगर एज नो, यहाँ से एड्रेस लिखिएगा, उसका सेम कर देना है, ईमेल आईडी, और टेलीफोन घर में है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा, मोबाइल नंबर, और यूजीसी सीएसआईआर आईसीएमआर डीबीटी कुछ भी है आपका, फेलोशिप का इन्फॉर्मेशन, जीपैट का आपका, जीपैट या जो भी स्कोर गेट का या कुछ भी स्कोर लगता है तो आपका गेट में 80% से 80-85% ऐसा कुछ स्कोर क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफिक, मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए। जीपैट में वो सही है 80 से 85 के बीच में, ठीक है। तो फेलोशिप का आप अगर कुछ फेलोशिप आपके पास है तो उसको अपलोड करना है 2 MB के अंदर, लेस देन 2 MB के अंदर, ठीक है। और यहाँ से क्वालिफिकेशंस दीजिएगा, 10th का बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न क्या था, मार्क्स कितना था आपका, सीजीपीए कितना था, और इस ये आपका अगर सीजीपीए नहीं था तो यहाँ से परसेंटेज मार्क्स लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सब्जेक्ट में आपका किसी बोर्ड में 7 होता है, किसी बोर्ड में 5 होता है। यहाँ से सेम प्रोसेस है 12th में, यहाँ से 6 या 5 जो भी है आपको यहाँ से दे सकते हैं आप, और सेम है इसका प्रोसीजर। और अगर रिजल्ट आपका मान लीजिए अभी तक नहीं मिला है तो लास्ट सेमेस्टर का, आप जिस भी सेमेस्टर में हैं लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स जो होगा या ईयर में जो भी हैं आप, तो उसको लगता मतलब यहाँ से पुट आउट करना है। और एससीएसआईआर रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास तो दीजिएगा, कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ से पुट आउट कर सकते हैं। और रिसर्च किस भी फील्ड में किए हैं तो रिसर्च एक्सपीरियंस, और कहाँ पब्लिश किए थे आप, ऑथर्स पब्लिकेशन जर्नल, क्या कुछ साइड में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अपना फ़ोटो है तो अपना फ़ोटो लगाना है आपको 2 KB के बीच में, और यहाँ सबमिट कर देना है, बस सबमिट हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आएगा 15 अगस्त को। इंटरव्यू प्रोसेस क्या कुछ, कैसे क्या कुछ करना है आपको डिटेल्स में हम बता दिया जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस था और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना भी है आपको बता दिए, थोड़ा बहुत बता दिए। और क्या कुछ रिसर्च एरिया है, बायोलॉजी का काफ़ी सारा बैकग्राउंड का रिसर्च एरियाज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मैं इधर से सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।